स्टैंडर्ड 6 सिलोबस इंग्लिश मीडियम स्कूल मानसरोवर रोड। बच्चों आपने फर्स्ट टू फिफ्थ में गिनती तो पढ़ी होगी, फर्स्ट टू फिफ्थ में गिनती पढ़ के ही आए होंगे। आज 6 स्टैंडर्ड में चैप्टर 4 जो है 51 से लेकर 100 तक, मतलब 51 से लेकर 100 तक की गिनती आज हम पढ़ेंगे। बच्चों आपको पता है हमारे व्यावहारिक जीवन में गिनती का बड़ा ही महत्व है। व्यावहारिक जीवन में रुपए पैसों की गिनती करनी पड़ती है, हमें गिनती की आवश्यकता होती है और उसकी तो जानकारी हमें होनी ही चाहिए। इस उपलक्ष्य में आज हम 51 से लेकर 100 तक की गिनती हम आज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं गिनती करती हूँ वैसे ही आप गिनती करना, ठीक है। चलो आप टेक्स्ट बुक में चैप्टर 4 पेज नंबर 24 निकालेंगे और मेरे साथ गिनती शुरू करेंगे। पेज नंबर 24, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ये 51 से 60 तक की गिनती हो गई। अब हम 61 से 70 तक की गिनती करेंगे। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। अब हमने 61 से लेकर 70 तक की गिनती कर दी है। अब हम शुरू करेंगे 71 से 80 तक की गिनती शुरू करेंगे। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। अब हमने 71 से 80 तक की गिनती शुरू कर ली है, ठीक है, कंप्लीट कर ली है। अब हम 81 से 90 तक की गिनती शुरू करेंगे। अब हम कहां से शुरू करेंगे? 81 से लेकर 90 तक की गिनती। बच्चों आप मेरे साथ पेज नंबर 24 पे कंटिन्यू कीजिए, है ना, और मेरे साथ आपको गिनती करनी है। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। ये हमने 81 से लेकर 90 तक की गिनती पूर्ण की है। अब हम शुरू करेंगे 91 से लेकर 100 तक की गिनती, ठीक है ना बच्चों। आप मेरे साथ गिनती कर रहे हो ना, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। अब हमने 91 से लेकर 100 तक की गिनती हमने पूरी करी है। आप बच्चों आप लोगों ने पेज नंबर 24 पे 51 से 100 तक की गिनती मेरे साथ की है ना। अब हमको ये गिनती हमारी नोटबुक में लिखनी है। चैप्टर 4 51 से 100 तक की गिनती हमें हमारी नोटबुक में आज की डेट डाल के कंप्लीट करनी है, ठीक है बच्चों। अब आप पेज नंबर 26 निकालेंगे। क्वेश्चन 1, उदाहरण के अनुसार जोड़ मिलाइए। अब आपको पेज नंबर 26 पे जो बैक एक्सरसाइज है, जो स्वाध्याय है, वो हमें हमारी नोटबुक में कंप्लीट करना है। अब जो उदाहरण दिए वहां पर एक फिगर दी है और गिनती दी है, उसको वो बॉक्स के अंदर आपको वो सही उत्तर लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंक में लिखिए। वहां पे एक एग्जाम्पल है, देखिए मैं बताती हूँ, एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ मैं आपको। 79, तो अब 79 वो जो शब्दों में लिखा है उसको आपको किस में लिखना है? अंकों में। इंग्लिश में कहे तो हमने किस में लिखा है? हमने इन वर्ड्स लिखा है। अब उसको लिखना है हमको फिगर में, तो ये मैंने इंग्लिश में आपको बताया है। अब गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। कोष्ठक में पेज नंबर 27 ओपन करो बेटा, पेज नंबर 27 को ओपन करो। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप देख रहे हो ना मेरे साथ, वहां पर ब्रैकेट में आंसर है रमेश, वह, गीता, हम,
उसे मैं हम कौन बच्चों क्वेश्चन थ्री देखेंगे पेज नंबर 27 आई थिंक सो आप सबने ओपन कर लिया होगा है ना ठीक है क्वेश्चन थ्री पुस्तक में दिए गए शब्दों में से सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आंसर्स मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं रमेश वह गीता हम उसे मैं हम और कौन अब किसका संबंध किसके साथ है वो हमें आंसर डालना है फर्स्ट फिलअप से डैश 3 वर्ष का है तो इसमें से हम ढूंढेंगे कौन 30 साल का है ओके लिसन बेटा फर्स्ट फिलअप से डैश 30 वर्ष का है कौन 30 वर्ष का है तो आंसर है वह तो हम ब्रैकेट में आंसर लिखेंगे वह वह 30 वर्ष का है वह 30 वर्ष का है अब हम सेकंड नंबर वाली फिलप्स को रीड करेंगे पता नहीं डैश दरवाजा खटखटा रहा है तो अब तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि इसमें से कौन सा आंसर आएगा यस एब्सोल्युटली करेक्ट कॉट यस हम सेकंड फिलप्स में लिखेंगे पता नहीं कौन दरवाजा खटखटा रहा है तो आंसर है कॉट यस वेरी गुड लिसन बच्चों आपको आपकी नोट में ये सारी फिलप्स वगैरह कंप्लीट करनी है ठीक है अब फिलप्स नंबर 3 पुस्तक रुचिकर है डैश मैं भी पढ़ूंगी तुरंत हमें क्लिक होता है दिमाग के अंदर पुस्तक रुचिकर है किसे पढ़ूंगी तो उसे पढ़ूंगी किसे देखो किसे पूछने से आंसर हमें सही मिलता है तो थर्ड नंबर वाले फिलप्स में हम आंसर लिखेंगे उसे पुस्तक रुचिकर है उसे मैं भी पढ़ूंगी रुचिकर माने इंटरेस्टिंग ये परफेक्ट हिंदी वर्ड है मतलब इंटरेस्टिंग बुक है उसे ही मैं पढ़ूंगी नंबर 4 डैश सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे तो तुरंत हमें दिमाग में चल जाता है डैश सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे कौन तो हम आंसर लिखेंगे हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे वैसे भी क्रिकेट खेलना तो बहुत अच्छा ही लगता है आप लोगों को पागल ही हो जाते हो क्रिकेट के पीछे तो चलो नंबर 5 रविवार को डैश बाजार जाऊंगा रविवार को डैश बाजार जाऊंगा अब देखिए अब ब्रैकेट में कितने वर्ड बचे हैं रमेश गीता ने मैं देखिए रविवार को रमेश बाजार जाऊंगा नहीं बैठता है नहीं सेट नहीं होता ना गीता रविवार को गीता बाजार जाऊंगा नहीं अब देखते हैं कि क्या बचा मैं तो रविवार को मैं बाजार जाऊंगा ओके ऑल द स्टूडेंट्स लिसन ये आपको अपनी नोटबुक में हिंदी की नोटबुक में लेसन 4 कंप्लीट करना है ठीक है ओके थैंक यू